जनपद पंचायत जबेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण जनपद पंचायत ब्लॉक उपाध्यक्ष रश्मि सुजान सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर गंदगी का अंबार है। गंदगी इतनी कि लोग मजबूरी में स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सांस ले रहे हैं। अस्पताल में भर्ती महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें डर है कि उनकी बच्चे को और कोई बीमारी ना हो जाए। मजबूरी में भी लोग अस्पताल का उपयोग कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि वे आप स्वयं देख सकती हैं कि कितनी गंदगी है। वहीं जनपद उपाध्यक्ष को पीने के पानी के स्थान पर गंदगी, कमरे के अंदर गंदगी, खिड़कियों में गंदगी, महीनों का कचरा भी साफ नहीं किया जाना पाया गया। साथ ही अस्पताल के संरक्षक अधिकारियों से बात किए जाने पर उनके द्वारा एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगा करके बात को टाला गया। एशियन रिपोर्टर मयंक जैन की रिपोर्ट। ज़्यादा गंदगी फैली, हमारी बहन भाई आते होंगे तो किसके लिए आते हैं कि हम यहाँ ठीक होने, हमारा ठीक से इलाज हो, लेकिन यहाँ तो आते ही और ज़्यादा बीमार हो जाएं। हमें खुद उल्टी हो गई, एक मिनट मिल रहा वहाँ खड़े होने में हमें बहुत ज़्यादा उल्टी आई, तो हमारी बहनें कैसे वहाँ बाथरूम में जा पाती होंगी, हमारे भाई कैसे वहाँ पानी पीते होंगे। यहाँ तो हर जगह गंदगी है, कहीं सफाई दिखाई नहीं रही। क्या जिलाधिकारी से क्या कहना है? हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से तो पैसा बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ सफाई क्यों नहीं की जा सकती? सफाई बराबर की जाए, यहाँ भाई बहने आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि यहाँ हम स्वस्थ रहें, और हम जो हम यहाँ ले कर आते हैं कि हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन यहाँ ठीक तो नहीं होंगे और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। NRHM से यहाँ रही एजेंसी में 11,110 रुपया 5500 रुपया दिया जा रहा है। अच्छा, 1 जनवरी 2021। आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, लिखित में हमने कलेक्टर जनसुनवाई भी दिया, लेकिन कोई वहाँ सुनाई नहीं। अच्छा, आवेदन लाओ और उन्हें मार अलग कर देते हैं। जिलाधिकारी को संगीता चतुर्वेदी मैडम, उनको भी दिए, उनको भी दी। क्या चाहते हैं आप? हम अपना जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, हमारा जो पेमेंट है वो 2 साल का एरिया से पेमेंट, 9 महीने की पेमेंट है वो क्वार्टरली है। जब आप लोगों को साफ सफाई कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा अगर, तो फिर तो नहीं, और... सफाई वाले नहीं, हम तो इतने कुकू से बच्चा में है। अच्छा अच्छा, बच्चों को गाइड दे। अच्छा, तो आपको भी नहीं मिल पा रहा? नहीं। उपाध्यक्ष में रश्मि से, हम यहाँ अस्पताल देखने के लिए आए हैं कि हम जो भाई बहन हमारे आते हैं तो किस लिए आते हैं, कि यहाँ हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी दवाई ठीक से हो और हम ठीक हो के जाएंगे यहाँ से, और हम यहाँ ठीक तो हो नहीं पाते। यहाँ हर जगह बहुत गंदगी फैली हुई, यहाँ खाने की तो छोड़ो, कि खाना पीना की बात तो छोड़ो, वहाँ खड़े होने की भी इच्छा नहीं होती। कैसे हमारी बहनें यहाँ खाना खाती होगी, कैसे वहाँ बाथरूम घुसती होंगी, यहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं, कहीं भी सफाई नहीं दिख रही है। क्या लगता है, आरोप भी लगा है कुछ लोगों ने कि सफाई कर्मचारियों को पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, ये भी आरोप, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हम चाह रहे हैं ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।